कॉमेडी वर्ल्ड कप घर लाने के लिए भारत रवाना। शाहीन वरासत दुबई हैदराबाद दक्कन भारत पहुंचेंगे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं टॉप फोर छोटा हदफ है, वर्ल्ड कप जीत कर वापस आना चाहते हैं, टीम का मोराल बुलंद है। रिवायती हरीफ के खिलाफ मैच का कोई दबाव नहीं, स्पिनर्स की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही लेकिन वो आम खिलाड़ी नहीं है, मुझे टीम पर भरोसा है। मजीद कहा शाहीन आफरीदी से कोई झगड़ा नहीं, तमाम खिलाड़ी फैमिली की तरह है। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। नवाज शरीफ अदालती इजाजत से बाहर गए, जायजा लेंगे अदालती इजाजत की हैसियत क्या है। तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी जमात को टारगेट कर रहे हैं। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबी तारीख और शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। मुझे गैब का इल्म नहीं इलेक्शन किसके साथ होंगे या किसके बगैर, चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं कानून देखेगा। और नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामला तय पा गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गई। शहबाज शरीफ मजीद दो रोज क्याम के बाद वतन वापस आएंगे। लंदन में नून लीगी रहनुमाओं की अहम बैठक, नवाज शरीफ ने खिताब में कहा 2018 में हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश से तबाह किया गया, खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, साजिशों के अंजाम तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा।